स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चों का हमारे SBI एकेडमी रावला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम अपना एक 10th क्लास के बच्चों के लिए एक लेक्चर लेकर आए हैं, ठीक है। और जिसके अंदर हमने कल तक जो है अपनी 7.5 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और आज हम देखते हैं अपनी 7.6 एंड 7.7, ठीक है। और पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो माध्यक है वो किस प्रकार से निकालते हैं वर्गीकृत रूप में, और आज देखेंगे हम वर्गीकृत रूप में माध्यक को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें जो वैल्यू उसने दे रखी है, सॉल्व करें
आएगा 44। अब इसको आप कैंसिल करके और इसके अंदर आप जब जोड़ देंगे बच्चों, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके डन। तो बच्चों आपको सबसे पहले तो क्या करना था, इसके अंदर जो आपको टेबल दे रखी है वो आपने टेबल बनानी है। उसके बाद आपने संचयी बारंबारता निकालनी है। ठीक है, संचयी बारंबारता आपसे बच्चों को पता है कैसे निकालनी है। एफ का सम करना है, सम करने के बाद आपने क्या करना है, एन बटा दो करना है, और जो वैल्यू आएगी उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू देखनी है आपने। फिर आपने क्या करना है, जो आपने वैल्यू थोड़ी सी बड़ी देखी उसके ऊपर की जो वैल्यू होगी वो सी का मान होगा, उसके सामने की एफ और एल की वैल्यू आपने चूज करनी है बच्चों। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे के सारे पर्सन बच्चों देखा जाए तो सेम है। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, वो है गोलक निकालना। क्या निकालना, गोलक निकालना। तो पहले हम सीखेंगे बच्चों वर्गीकरण, अवर्गीकृत में। अब गोलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वो ही क्या हमारा गोलक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये देखिए, आपको दे रखा है 2, 5
क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमें बच्चों वर्ड दे रखा है, हमें वर्ड दे रखा है 10 से 15, 35 से 40, ठीक है, कहां तक दे रखे हैं 40 से 45 तक, ठीक है जी। और हमें बार-बार तो ये एफ के मान दे रखे हैं इसने, एफ के मान दे रखे हैं बच्चों 3, 7, 16, 3, 7, 16, 12, 9, ठीक है जी, और 5 एंड 3, ओके। सबसे ज्यादा बार देखिए कौन आ रहा है, सोलह, ये बच्चों हमारा एफ वन का मान आएगा, किसका आएगा एफ वन का, और इससे पहले का जो है वो एफ जीरो का आ जाएगा, और इसके बाद का जो है वो एफ टू का आ जाएगा, ओके। तो यहां लिख लेते हैं एफ वन के सामने ये वैल्यू बच्चों आपकी एल की आ जाएगी, किसकी आ जाएगी एल की, यहां लिख लेते हैं L बराबर 20 आ गया, F1 का मान 16 आ गया, F0 का मान कितना आ जाएगा बच्चों 7, और F2 का जो मान है बच्चों कितना आ गया 12, है ना। तो अब इन सभी को हम फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, बहुलक को Z से लिखा जाता है, L प्लस L का मान 20 है, 20 प्लस F1 माइनस F0, 16 माइनस में 7 गुना एच, एच का मान सभी में अंतराल 5 का है, देख लीजिए बच्चों 5 का अंतराल है, अपॉन में 2f1, 2 गुना 16 माइनस 7 माइनस में 12, ओके। सॉल्व करिए, 20 प्लस में 16 माइनस 7 करेंगे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा, 16 में से 7 गया तो 9 बच गए, 9 का 5 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 45, 32 माइनस में अभी ये करेंगे कितना आ जाएगा 19, अब 32 में से 19 कम करिए तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 32 में से 19 कम करेंगे 13 आ जाएगा, ठीक है जी, यहां कितना आ जाएगा 13। अब आपने क्या करना है, पहले 45 में 13 का भाग लेके और उसमें आपने कितना ऐड कर देना है जी 20 ऐड कर देना है, ओके, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो सारे के सारे इसी प्रकार से हैं नेक्स्ट भी, ठीक है। इसमें आपने क्या करना था कि जो आपको बारंबारता दे रखी है उसमें सबसे अधिक बार संख्या कौन सी आ रही है, ठीक है, वो चेक करना था, जैसे 20 से और 25 में जो संख्या आएगी ना वो 16 बार आ रही है ना, तो F1 का मान आ जाएगा उससे पहले का F0 का, उसके बाद वाला F2 का, और F1 के सामने की वैल्यू आपने वर्ग चूज करना है, उसमें से निम्न सीमा आपने लेनी है वो L का मान हो जाएगा बच्चों, ठीक है जी। और फिर हमें फॉर्मूले के अंदर रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में बच्चों हमारी ये जो एक्सरसाइज थी 7.7 ये कंप्लीट होती है, और ऑल एक्सरसाइज 17 एक्सरसाइज जी तो हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम कोई एक नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है, और उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। हमारी जो प्रश्नावली है दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं और 17वीं और 18वीं कंप्लीट हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपका जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।